जी, जब जनवरी फरवरी मार्च में कोरोना कम हुआ था तब सबको लगा कि ये कोरोना चला गया, मतलब इस दौरान वैक्सीन आई फिर भी लोग एहतियात बरतना भूल गए थे। लोगों ने बहुत सारा इकट्ठा होना शुरू कर दिया था, बच्चों को लेकर बाहर जाना शुरू कर दिया था, और जो नई स्ट्रेन आई है उसका इन्फेक्टिविटी रेट काफी ज्यादा है, और इसी की वजह से जो अर्निंग मेंबर होता है जो बाहर काम के लिए जाता है वो घर में इन्फेक्शन लेके आता है, और इस बार के इन्फेक्शन के वेव में पूरा घर इन्फेक्ट होता है तो उसमें बच्चे भी ज्यादा प्रभावित होते हैं। इस बार जैसे बड़ों के नंबर्स बढ़े हैं उसी तरह से बच्चों के भी नंबर्स बढ़े हुए हैं। जैसे इनिशियल 6-7 महीने में क्या हुआ था कि बड़े भी बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे थे, वो बच्चों को बाहर लेके नहीं जा रहे थे, वो ध्यान हमने पिछले 2-3 महीने में जनवरी और फरवरी में नहीं रखा था। काफी सारे शादियां हुई, काफी सारे और सारे पॉलिटिकल थिंग्स हुए जिसकी वजह से ये वेव बहुत बड़ा है और उसमें बच्चों भी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। बच्चों में आमतौर पर जो नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन की तरह ही साइन सिम्टम्स होते हैं, जैसे बुखार आना, सिर दर्द होना, साथ में कभी कभी सर्दी जुकाम होना और जनरलाइज बॉडी पेन, और कभी कभी बच्चों में वॉमिटिंग और एब्डोमिनल पेन भी देखा गया है। ऐसे कोई भी सिम्टम्स हो और घर में किसी को भी पॉजिटिव हो तो बच्चे का टेस्ट करा के उसको कोविड है कि नहीं वो कन्फर्म कर लेना जरूरी होता है। जी, 2-3 किस्से ऐसे आए हुए हैं जिसमें बच्चे की भी डेथ हुई है, लेकिन जितने नंबर है उसके मुताबिक वो काफी कम कह सकते हैं। बट जो प्रिकॉशंस हम पिछले 1 साल से ले रहे हैं उसी प्रिकॉशंस को और ज्यादा जिम्मेदारी से लेना जरूरी है। जैसे दूसरे इंसान से 2 गज की दूरी मानी 6 फीट का डिस्टेंस रखना है, मास्क का इस्तेमाल प्रॉपर और सही तरीके से करना है और हमेशा करना है, और तीसरा हैंड सैनिटाइजर करते रहना है, और जो लोग वैक्सीन लेने के लिए एलिजिबल है उनको अपने टाइम पे वैक्सीन के दोनों डोज ले लेने हैं, क्योंकि ये चौथा सुरक्षा चक्र है, मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन, डिस्टेंस एंड वैक्सीनेशन। अगर ये प्रॉपर करेंगे तो मुझे लग रहा है कि अगर 1-2 महीने की एहतियात करेंगे तो ये दूसरा वेव भी पीक होके नीचे चला जाएगा, तो हमें इसके ऊपर ध्यान लेकर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करके इस कोरोना को हराना है। सतत 24 कलाक समाचार जोवा माटे डाउनलोड करो ईटीवी भारत एप।